नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ और कुछ नई चीज़ें दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट्स आते हैं और मैसेज आ रहे थे लोगों के, आप सभी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर थे जिनके, सभी लोगों के, आप लोग जानते हैं मैं कमेंट्स कितने ध्यान से पढ़ता हूँ, उनके सभी की रिप्लाईज भी करता हूँ, कमेंट्स में हार्ट भी देता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं और पूछते रहते हैं, सर आप ये बताइए कि ऑनलाइन फिश डिलीवरी, मैं तो आज तक किसी से ऑनलाइन फीसेस के लिए ना ऐसे कि पेमेंट लिया, आप लोगों ने कभी मेरा कोई कमेंट ना मेरे ऊपर कोई वीडियो देखा होगा कि मैंने किसी का पैसा ले लिया हो, मछली ना भेजी हुई, मछली लेने के बाद की बात की होगी, मैं आपके शहर या आपके देश में मछली भेज दूँगा और डिलीवरी करवा दूँगा आपके यहाँ, क्योंकि ऐसा हर जगह हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज आते हैं, मेल भी आई, कई सारे, मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में तो नहीं आई, पर एक दो लोग कमेंट करते रहते हैं, सर ऑनलाइन फीस कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, कोई ट्रस्टेड डीलर का नंबर दे दिए, कोई ट्रस्टेड शॉपकीपर हो या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो। एक्चुअल में ये जो फीस का बिजनेस होता है, और ऑनलाइन तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन जो भी कच्चा बिजनेस होता है, जैसे कि आपकी फिशेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, और या आपकी जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं ये फीडिंग खाने वाली फिशेस हो गई, फिश सीड्स हो गए, इनको मैं आप लोगों को कभी भी ऑनलाइन ख़रीदने का सजेशन नहीं देता हूँ। स्पेशली जैसे अगर आप किसी कोई छोटे शहर से हो या कोई ऐसा शहर जो किसी बड़े रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है, आपके एरिए में ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा अच्छी नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग सुविधा बस की हो या रेलवे की हो या एयरपोर्ट की हो, फ्लाइट की हो। और रही बात दूसरी, आज की डेट में आप लोग भी जानते हैं कितने सारे लोग फर्जी वेबसाइट्स वगैरह बना लेते हैं, आप जानते हैं कि आजकल इस तरीके के स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा होता है कि फर्जी वेबसाइट्स वगैरह चलने लगी, और फिश और एक्वेरियम का बिजनेस ऐसा है जो कि ऑनलाइन जो आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें आप लोगों को ऑनलाइन फिश डिलीवरी नहीं मिलेगी, ना ही कोई सेल करता है, तो इसी का बेनिफिट उठाते हैं दूसरी फर्जी वेबसाइट वाले, जो कि एक वेबसाइट बना लेते हैं, अपने से ही बना लेते हैं, या तो कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के क्रिएट कर लेते हैं और लोगों से पेमेंट ऐंठ लेते हैं, और उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाते, या तो फिर बाद में बोल देते हैं कि भैया उस एरिए में डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जो ट्रस्टेड भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो उसकी छानबीन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं भाई ये वेबसाइट काफ़ी बेहतरीन है, आप इसके ज़रिए फीसेस ख़रीद सकते हैं, अपने एरिया में ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या लोचा होता है कि उसमें भी बहुत सारे वेबसाइटें आपको फीसेस नहीं दे पाती हैं पैसा लेने के बाद भी। इसका भी रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग फैक्ट जान लो, वो वेबसाइट का आप अबाउट में जाके देख लो कि वो वेबसाइट ऑपरेट कहाँ से हो रही है, कौन से एरिया से हो रही है, या वो जो बिज़नेस कर रहे हैं जो भाई लोग, वो कौन से एरिया से कर रहे हैं, और उस एरिया से, और आप जिस एरिया से पे रहते हो और जहाँ से आप लोग ऑर्डर करते हो, वहाँ से वहाँ तक की डायरेक्ट ट्रांसपोर्टिंग अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है या कोई ऑनलाइन फिश शॉपकीपर है जो कि दिल्ली से पूरे इंडिया में बोलते हैं माल भेज देंगे, लेकिन आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप हो शहडोल के, अब आप शहडोल में फिश मंगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली से शहडोल के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है। अगर दिल्ली से शहडोल के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन आती है, दिल्ली से शहडोल के डायरेक्ट कोई बस जाती है, तो आपको एग्जैक्टली एब्सोल्युटली प्रॉमिस कि वो अगर जेन्युइन बंदा है तो आपको फिशेस भेज सकता है, दो तीन दिन लेट सवेर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि हैं जबलपुर के हैं, और जबलपुर के हैं और आप कलकत्ता से माल मंगा रहे हैं, मछली लेना चाहते हैं, लेकिन कलकत्ता से जबलपुर फिश नहीं आ रही है, लेकिन फिश कीपर वाले बोल रहे हैं हम माल भेज देंगे क्योंकि कलकत्ता से इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद से ट्रेन चेंज होके फिर दूसरी ट्रेन में माल लोड होगा और फिर आपके पास जबलपुर पहुँच जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता लाइव ट्रांसपोर्टिंग में। माल अगर आपका फिश का कार्टून एक दो दिन के लिए भी इधर उधर हुआ तो आपके फिशेज डैमेज हो जाएंगी, या तो बीमार हो जाएंगी, या तो आपको जिंदा किसी भी हालत में पहुँच जाएंगे, तो उनकी कंडीशन इतनी ख़राब रहेंगी कि वो बहुत जल्दी ही बीमार होकर मर जाएंगे, फंगस वगैरह लगेंगे, और या तो उनकी कंडीशन भी बहुत दयनीय रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अच्छे खासे किसी संपर्क कर लें जिसने पहले रिव्यू कोई किया हो वेबसाइट से ऑनलाइन डायरेक्ट सामान मंगा के, उससे जरिए आप लोग समझ लें कि कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं है। उसके अलावा आप लोग किसी ट्रस्टेड यूट्यूबर का वीडियो भी देख सकते हैं जिन्होंने वेबसाइट के बारे में रिव्यू किया हो, लेकिन उसमें भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें कि जो वेबसाइट है वो है कहाँ की, और वहाँ से वहाँ तक आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आप लोग फर्जी वेबसाइट, फर्जी जस्ट डायल पे वगैरह में, इंडिया मार्ट वगैरह में नंबर वगैरह सर्च करके मैं ऑर्डर देने का आप लोगों को किसी को सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल
एक नेट में बहुत सारे फर्जीवाड़ा लोग बैठ चुके हैं, बिकॉज इस कच्चे आइटम के काम में आप लोग सोचते होंगे इसी बिजनेस में इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा आखिर क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ना ही आपको इसका कोई ब्रांड मिलता है, ना ही इसका कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है, और ना ही इसका कोई इतना जाना माना आप लोगों के अभिनेता वगैरह इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना ही प्रमोशन करते हैं। इसको जो भी करते हैं ना लोकल लोग या हम जैसे कोई यूट्यूबर्स हो गए, बस इतने से ही लेवल पे होता है ये बिजनेस। तो इसका ही बेनिफिट उठाते हैं छोटे मोटे चीटर्स लोग, क्योंकि लोगों को लगता है बस ये भी कोई शॉपकीपर होंगे, ये भी कोई शॉपकीपर होंगे, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे ज़्यादा अपना बिजनेस अपने से ही प्रमोट करना पड़ता है। मतलब अगर मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है, तो मैं इसको अपने आप ही प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इसे किसी चैनल को, किसी न्यूज़ चैनल या किसी टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतना पैसा हम लोगों के पास होता नहीं, हम लोग एक छोटे दुकानदार गरीब लोग होते हैं जो बिजनेस को कर रहे हैं। ज़्यादातर फिश कीपर वाले, फिश शॉप का जो बिजनेस करते हैं, कोई बहुत अमीर लोग तो होते नहीं हैं, एक दो शॉप कीपर्स को छोड़ के बाकी सभी लोगों को आप देखेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, तो उससे भी नीचे जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वही लोग ये बिजनेस ज़्यादातर करते हैं। तो और फिर बहुत सारे इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग, फिर अपना फर्जी गूगल मैप में एड्रेस डाल दिए, फर्जी नंबर डाल दिए, फिर बोल देंगे कि सर मैं आपको मछली भेज सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इसके बारे में खैर एक वीडियो में पहले ही बताया था कि ऐसा कलकत्ता में चीटर लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। और उनसे माल लेने से पहले शॉप विजिट कीजिए, अगर आप एक होलसेलर हैं, अगर आप रिटेलर हैं, तो अपने लोकल एरिया के ही शॉप को प्रमोट कीजिए। हम कहते हैं 10-20 रुपये ज़्यादा महंगा सामान मिलता है, 25-50 रुपये महंगा मिलता है, आपकी वजह से शॉपकीपर की मदद होती है और वो आप लोगों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। आप उसके अच्छे कस्टमर रहोगे, कल को आपको डिस्काउंट भी देगा, फिशेज़ की वैरायटी बढ़ेगी और उसका भला भी होगा, बिकॉज वहाँ की तो सब लोग जानते हैं ये एक अनकॉमन बिजनेस है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं ये वीडियो काफ़ी दिन बाद बनाया हूँ, तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। उम्मीद करूँगा कि फिर से मैं कंटिन्यू आप लोगों के सामने वीडियोस लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।